मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बच्चों हम क्लास फिफ्थ में आपको लेसन 30 पढ़ाएंगे, मुहावरे और लोक उक्तियां। चलिए बच्चों आपका लेसन ये देखिए, किस बुक से पढ़ाएंगे हम आपको? ये वाली बुक से। कौन लाया? ये आपकी ग्रामर बुक है ना, इससे हम आपको पढ़ाएंगे। ये आपका लेसन है मुहावरे और लोक उक्तियां, लेसन 15 यानी 15। ये दिया है बच्चों आपको पेज नंबर 124 पे। ये देखिए आपको दिखा, ये देखिए आपकी। चलिए हम आपको लेसन पढ़ाना शुरू करते हैं। ये देखिए ये दो फिगर बनी हुई है, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं हम आपको बताते हैं। जैसे अरे तुम तो ईद का चांद हो गए हो, दूसरी है चूहा 9-2-11 हो गया। बच्चों ऊपर दिया गया पहले चित्र में व्यक्ति बहुत दिनों बाद मिल रहा है, तथा दूसरे चित्र में चूहा बिल्ली को देखकर भाग रहा है। समझे? देखिए इसमें क्या हो रहा है, व्यक्ति बहुत दिन बाद मिल रहा है, और इस चित्र में क्या हो रहा है कि चूहा जो है वो बिल्ली को देखकर भाग रहा है। इन वाक्यांश में विशेष अर्थ, ये वाक्यांश विशेष अर्थ दे रहे हैं। मतलब ये जो वाक्यांश है, जो ये शब्द कहे गए हैं, वो क्या दे रहे हैं? एक विशेष अर्थ दे रहे हैं। अर्थ क्या दे रहे हैं? ईद का चांद बहुत दिन बहुत समय बाद दिखता है, इसलिए इसका अर्थ है बहुत दिनों बाद मिलना। 9-2-11 का अर्थ है तेजी से भाग जाना। ये मुहावरे वाक्यांश कहलाते हैं। मतलब जो वाक्य अलग से अर्थ देते हैं वही आपको क्या कहलाते हैं? वाक्यांश कहलाते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? आपके मुहावरे कहलाते हैं। सॉरी हमने गलत डेफिनेशन दी। मतलब जो ये जो आप बोला गया है ये क्या दे रहे हैं? अलग एक अर्थ दे रहे हैं, तो वही हमारा क्या होता है? मुहावरे कहलाता है। मुहावरे का अर्थ स्थिति के द्वारा ही समझा जा सकता है। ये समान अर्थ से हटकर विशेष अर्थ देते हैं। वाक्य में प्रयोग किए गए जाने पर ये पूरे होते हैं और सही अर्थ देते हैं, क्योंकि ये वाक्यांश होते हैं। बच्चों ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये जो एक नॉर्मल मीनिंग होता है उससे हटकर एक अलग मीनिंग देते हैं, और वाक्य में प्रयोग किए जाने पर ये वाक्य में प्रयोग किए जाने पर ही ये पूरे होते हैं और सही अर्थ देते हैं। समझ में? मतलब जो सेंटेंस होता है इसमें ये पूरे अर्थ जो है वो देते हैं। जैसे अगर हम किसी से बहुत दिन बाद मिले, यही व्यक्ति बोल रहा है जो पिक्चर बनी हुई है, अरे तुम बहुत दिन बाद मिले हो, अगर इतना ना बोलकर अरे तुम तो ईद का चांद हो गए हो, ईद का चांद का मतलब वो अपने में एक अर्थ दे रहा है कि तुम बहुत दिनों बाद मिले हो। जैसे अगर हम बोले कि चूहा जो है वो बिल्ली को देखकर भाग गया, तो हम भाग गया ना बोलकर बोलते चूहा बिल्ली को देखकर 9-2-11 हो गया। तो 9-2-11 भी क्या है बच्चों? विशेष अर्थ दे रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि वो भाग गया है। और ये जो क्या होते हैं, ये इससे जो है बच्चों भाषा भी बहुत ही अच्छी होती है। समझ आया? अब देखिए आपकी बुक में मुहावरे की डिफिनेशन दी गई है। वे वाक्यांश जो समान अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे कहलाते हैं। ये देखिए ये मुहावरे की क्या है आपकी डिफिनेशन दी हुई, और देखिए नीचे बच्चों अलग अलग मुहावरे दिए हुए हैं, उनके अर्थ और उनसे सेंटेंस भी बने हुए हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले है बच्चों जैसे लोहा लेना। तो लोहा लेना मतलब क्या अर्थ होता है कि जैसे आप लोग लोहा लेने का क्या मतलब निकालेंगे? ये मतलब हम बाजार गए वहां से लोहा लेकर आए? नहीं, लोहा लेने का मतलब होता है बच्चों डट कर मुकाबला करना। समझना है? हिंदी भाषा में जैसे हम बोलेंगे कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लोहा लिया। लोहा लिया मतलब लोहा खरीदा नहीं उनसे, लोहा लिया मतलब होता है बच्चों की मुकाबला किया। समझना है? तो ये क्या दे रहा है? एक विशेष अर्थ दे रहा है। समझना है? लोहा लेना तो इस प्रकार चिकने घड़े पर पानी या अन्य पदार्थ का न टिकना, अतः इससे चिकना घड़ा मुहावरा बना है। इसका अर्थ है कुछ भी असर न खोना। समझ में? जैसे कभी कभी टीचर डांटती है, लेकिन कभी कभी टीचर बोलती है ना कि अरे ये तो चिकना घड़ा हो गया है। चिकना घड़ा मतलब बच्चों की उसे पानी जो नहीं रुकता, इसका मतलब ये नहीं कि वो चिकना घड़ा, इसका मतलब ये होता है कि उस बच्चे पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है जो भी टीचर बोल रही है। चलिए अब हम बाको और नीचे बढ़ाना शुरू करते हैं। मुहावरे तथा उनका वाक्य में प्रयोग, ये देखिए ये मुहावरे हैं, उनका क्या है? वाक्य में प्रयोग है। बच्चों ये जो आपका ब्लू कलर से दिख रहा है ना, ये मुहावरे हैं। ये देखिए जो ब्लू कलर से दिख रहा हुआ, ये देखिए ये दिख रहा है यहाँ पहली फिंगर है, ध्यान से देखिएगा, आप अपनी बुक में भी देखिए। तो जो ब्लू कलर है वो मुहावरा है, उसके ब्रैकेट जो है वो बच्चों अर्थ है, उसके बाद जो लिखा हुआ है वो क्या है आपका? उस मुहावरे से बना सेंटेंस है। बच्चों जब हम मुहावरे से सेंटेंस बनाते हैं तो अर्थ का यूज नहीं करते हैं, हम मुहावरे का यूज करके सेंटेंस क्या करते हैं? बनाते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है अगर मगर करना। अगर मगर करने का मीनिंग क्या होता है? टाल मटोल करना। समझ आया? अगर मगर का मीनिंग होता है टाल मटोल करना। अब का सेंटेंस क्या बना है? दादाजी ने विनय से बाजार जाने के लिए कहा तो वह अगर मगर करने लगा। देखिए आप कोई भी मुहावरा उठा के देख लीजिए, आप कभी भी जो है अर्ध से सेंटेंस नहीं, कभी भी अर्ध से सेंटेंस नहीं बना होता है, हमेशा मुहावरे को लेकर ही क्या करते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। यही आप लोग भी करिएगा, अगर आप लोग अर्ध से लेकर सेंटेंस बनाएंगे तो गलत हो जाता है।
फिर सेकंड है देखिए आंख में धूल झोंकना, आंख में धूल झोंकना मतलब होता है जो धोखा देना। अपराधी ने पुलिस की आंख में धूल झोंकर भागना चाहा परंतु वह सफल नहीं हुआ। थर्ड है हवा से बातें करना। हवा से बातें करना बच्चों एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है कि बहुत तेज भागना, तो इसका होगा कि राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। समझना, चेतक के लिए कभी नहीं हुआ, चेतक बहुत तेज भागता था। हमेशा जब भी आप राणा प्रताप के घोड़े का चेतक का जिक्र सुनेंगे तो हमेशा यही सुनेंगे कि चेतक जो था वो हवा से बातें करता था। हवा से बातें करने का मतलब ये नहीं है कि वो हवा से बात कर रहा होता था, हवा से बातें करने का मतलब ये होता है कि वो घोड़ा बहुत ही तेज भागता था। ये रियल में ये सच है कि राणा प्रताप का घोड़ा बहुत ही तेज भागता था। फिर यार नमक मिर्च लगाकर नमक मिर्च लगाना बढ़ा चढ़ाकर कहना, मतलब किसी बात को इतनी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बता देना। इसका जैसे है देवेश की बातों पर भरोसा मत करो करना, उसे नमक मिर्च लगाने की आदत है। तो समझना बच्चों, नमक मिर्च कहीं भी नमक मिर्च लगाना मतलब नहीं होता, नमक मिर्च लगाना होता है कि अगर इतनी सी बात है किसी को बताना हो तो इतना करके बता दो। तो वही कह रहा कि भरोसा मत करो, उसकी जो आदत है नमक मिर्च लगाकर बातें करना। चलिए बच्चों इसी तरीके से आप लोग देखिए कि आपकी बुक में जो है ऐसे ही मुहावरे दिए हुए हैं और उनसे क्या बने हैं, उनसे वाक्य जो है बनाए गए हैं। समझ में आया। इसके बाद ये देखिए पेज नंबर 120 पे आइए, 26 पे आइए। ये देखिए ये कुछ मुहावरे दिए हुए हैं और ये क्या दिए हुए, इनके अर्थ दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे है कि अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, आंख दिखाना, गुस्सा करना, आंखें खुलना, सच्चाई का पता चलना, आसमान से पर उठाना, बहुत शोर करना, नाकों चने चबवाना, बहुत परेशान करना, कान पर जू न रेंगना, बिल्कुल असर न पड़ना, नानी याद आना, होश सिखाने आना, ठोकर खाना, कष्ट सहना। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके बुक में मुहावरे दिए हुए हैं, उनके अर्थ दिए हुए हैं। चलिए बच्चों अब आइए इसके एक्सरसाइजेस पर। पहले इसका क्वेश्चन आंसर ये दिया हुआ है आपका पेज नंबर 127 पे। ये देखिए ये इसके क्वेश्चन हैं, इनके आंसर हम आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मुहावरों की क्या विशेषता होती है। इसका आंसर है बच्चों मुहावरे की यह विशेषता होती है कि वे समान अर्थ से हटकर विशेष अर्थ देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मुहावरे वाक्य होते हैं या वाक्यांश, तो आप क्या आंसर लिखेंगे कि मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं। थर्ड है नाको चने चबाना, नाको चने चबाना मतलब होता है बच्चों बहुत परेशान करना। इसके बाद देखिए बच्चों आपके बुक में तीन चित्र बने हुए हैं, इन चित्र को देखकर आपको क्या करना है, इनके मुहावरे, इन चित्र को देखकर मुहावरा लिखना है कि कैसे मतलब है। जैसे है फर्स्ट में आप देख रहे हैं लड़की ऐसे दांतों तले उंगली, मतलब दांत ऐसे उंगली रखी है, तो आप उसका मुहावरा ऐसा लिख सकते हैं दांतों तले उंगली दबाना। सेकंड पिक्चर में देखिए एक बच्चा दिए जला रहा है, तो आप उसको लिख सकते हैं घी के दिए जलाना। थर्ड पिक्चर में देखिए आप लोग देख रहे हैं कि एक आदमी जो पेड़ पर बैठा है उसी दांत को काट रहा है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं अकल का दुश्मन। समझ में आया। फिर नीचे आइए बच्चों निम्नलिखित मुहावरों की उचित अर्थ लिखिए, एक्सरसाइज नंबर 2। ये देखिए ये मुहावरे दिए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये मुहावरे दिए हुए हैं और क्या करना है इन मुहावरों को अर्थ आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है आपका ठोकर खाना, तो आप क्या लिखेंगे कष्ट सहना। सेकंड है आपका बाल भी बाका ना होना, तो आप वहां पे क्या लिखेंगे सुरक्षित रहना। छक्के छुड़ाना नहीं चलता बच्चों, बुरी तरह हराना। फिर है लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना, लाल पीला मतलब चेहरा लाल पीला नहीं हो, लाल पीला मतलब गुस्सा होना। फिर है कान भरना, कान भरना में सोता है बच्चों चुगली करना मतलब शिकायत करना किसी की बहुत ज्यादा। फिर पेज को पलटिए बच्चों पेज नंबर 28 पे आइए। ये देखिए ये आपका पेज नंबर 28 है, इसमें ये वाली एक्सरसाइज आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या करना है उचित मुहावरे द्वारा खाली स्थान भरकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं ऑप्शन को यहाँ पे क्या करना है आपको फिल करना है, ये मुहावरे हैं इन्हीं को आपको फिल करना है। जैसे फर्स्ट है हवलदार को अपनी ओर आता देखकर चोर डैश हो गए, तो आप वहां पे क्या फिल करेंगे 9-2-11, तो क्या हो जाएगा हवलदार को अपनी ओर आता देखकर चोर 9-2-11 हो गए। सेकंड है अमन ने शिक्षक से मेरी शिकायत डैश की, क्या लिखेगा बच्चों नमक मिर्च लगा के। सेंटेंस क्या बन जाएगा अमन ने शिक्षक से मेरी शिकायत नमक मिर्च लगाकर की। थर्ड है सारा दिन चलते चलते हमारा डैश हो गया, क्या हो गया बच्चों अंग अंग ढीला हो गया। समझ आया, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा सारा दिन चलते चलते हमारा अंग अंग ढीला हो गया। फोर्थ है भारतीय सेना ने युद्ध में शत्रुओं के डैश छुड़ा दिए, तो आप क्या लिखे वहां पे छक्के छुड़ा दिए, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा भारतीय सेना ने युद्ध में शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। फिफ्थ है छुट्टियों में बच्चों ने सबकी डैश कर दिया, क्या फिर करेंगे आप वहां पे नाक में दम, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा छुट्टियों में बच्चों ने सबकी नाक में दम कर दिया। फिर बच्चों आइए नीचे एक्सरसाइज नंबर 4 पे। ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 4 है, इसमें क्या करना है आपको मुहावरों का वाक में प्रयोग करना है। ये देखिए ये देख रहे हैं ये कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, इन्हीं के आपको क्या करना है सेंटेंस बनाना। इसमें फर्स्ट है लोहा लेना,
तो लोहा लेना में हमने क्या मुहावरा बनाया है, झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लोहा लिया, मतलब डटकर मुकाबला किया। फिर है 9-2-11 होना, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। थर्ड है अगर मगर करना, संडे हमने क्या बनाया है, दादाजी ने विनय से बाजार जाने के लिए कहा तो वो अगर मगर करने लगा। थर्ड है दाल न गलना, तो सॉरी फोर्थ है दाल न गलना, हमने क्या बनाया है, क्रांतिकारियों के आगे अंग्रेजों की दाल ना गली। लास्ट है बच्चों भीगी बिल्ली बनना, हमने क्या संडे बनाया, शेर को देखकर राहुल भीगी बिल्ली बन गया। ठीक है बच्चों, ये देखिए किस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम मुहावरा यहाँ पे अब खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लोकोक्ति या कहावतें बताएंगे। ठीक है, ये देखिए ये लोकोक्ति और कहावतें, ये इसी लेसन 15 का ही पार्ट है, ये हम आपको आधा पार्ट पढ़ा रहे हैं केवल मुहावरा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लोकोक्ति जो दिया हुआ है ये देखिए ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।